हेलो दोस्तों, आज हम चलते हैं आपको मुंबई की आन बान और शान और गरीबों को एक टाइम खाने का पहचान दिखाने के लिए। ये जो चीज़ हमारे यहाँ भी बन रही है, जो मुंबई में मशहूर है, जो कि हमारे यहाँ भी अब बनने लगी है, जिसे हम चलते हैं और इसका स्वाद चेक करते हैं और आपको बताते हैं हमारे यहाँ कितने रुपए की बनती है और इसका स्वाद कैसा। अब हम चल रहे हैं उस चीज़ की तरफ। भाइयों, अब हम पहुँच चुके हैं दुकान पर। देखते हैं क्या खास बात है इस दुकान में और उस दुकान की डिश में। हम पहुंच चुके हैं दुकान पे। भैया ने एक पाव उठाया और बहुत ही प्यार से उसे चाकू से बीच में से काट दिया और काटने के बाद उन्होंने उस पे तीखी चटनी लगाई। तीखी चटनी के बाद उन्होंने मीठी चटनी लगाई। मीठी चटनी के बाद, और हमें मीठी चटनी ज़्यादा पसंद है इसलिए हमने ज़्यादा डलवा लिया, और उसके बाद उन्होंने मसाला लगाया। मसाला के बाद उन्होंने आलू की टिक्की रखी। टिक्की रखने के बाद पाव को बीच से आधा काट दिया। काटने के बाद उन्होंने उठाया एक कवर, उसके ऊपर रखा पाव, और एक मिर्ची ना हो तो भाई मज़ा ही नहीं आता खाने में इस चीज़ का, और उन्होंने रखा और मैंने जल्दी से उनको उनके हाथों से अपने हाथों में ले लिया। लेने के बाद मैंने तुरंत ही एक बाइट ली और मिर्ची उठाया और उसे काटा। भाई स्वाद इसका बहुत बढ़िया था। ये 10 रुपये का हमारे यहाँ मिलता है, आपके यहाँ कितने का मिलता है?